फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इंडियन ब्लॉगर पूजा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ आ गई हूँ, रिक्वेस्टेड वीडियो के साथ। सो ये हेयर कट वीडियो है। मेरे को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आता है हेयर कट वीडियो के लिए, तो आप लोग इसको वीडियो को देखिएगा। मैं उससे पहले सबसे पहले आपको ये बोल दूं कि जो भी मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मतलब वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आप लोग को मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और मैं लाइव आती हूँ उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और बहुत सिंपल तरीके से काटा है, बहुत ईजी है, आप लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे। सो चलिए आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए एंड आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा एंड लाइक बटन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग के लाइक से ही मुझे पता चलता है कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेयर कट ये देखिए, मैंने बालों को भिगा लिया है और बस अब हेयर कट करूंगी। भिगा लेना है या फिर अगर कोई शैम्पू करके जस्ट बाहर आ रहे हैं तो उस वक्त काट लीजिए, इजी होता है। बट हम लोगों में बाल काटने के बाद नहाना होता है, इसीलिए मैं पानी से भिगाती हूँ अच्छे से। और आपको अच्छे से इक्वली कोम कर लेना है पूरा प्रॉपर तरीके से, और पीठ के रीढ़ की हड्डी की तरफ बीचों बीच अपने आप बालों को आपको लेकर देखना है, चेक करना है कितना आपको काटना है, जिसको कटवाना है या फिर आप उससे पूछ लीजिए कितना लेंथ उसका काटना है। और प्रॉपर रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच आपको अपने हाथों को रखना है, नहीं तो गड़बड़ कर सकता है। तो मैं देखिए बार बार कोम कर रही हूँ क्योंकि बाल सब एक जगह अच्छे से आ जाए। थोड़ा टाइटली खींच कर आपको करना है और पूछ लीजिए जिसका हेयर आप काट रहे हैं उसको कितना लेंथ कटवाना है, फिर काटिएगा। ये वीडियो मैं अचानक से ही बना रही हूँ, बोली बाल काटने के लिए हम लोग, मतलब मैं फ्रेश भी नहीं हुई थी और मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो बस आपको प्रॉपर मिला लेना है। मैं बार बार मिला रही हूँ, किसी का हेयर कट करने से पहले आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि खुद का हेयर काटने से हम लोग इतना डरते हैं तो दूसरे के लिए तो प्रॉपर पूछ कर काटना पड़ता है। तो इसलिए मैं बार बार मिला रही हूँ कितना काटूँ कितना काटूँ। ये देखिए मैंने काट के निकाल दिया। अब कुछ नहीं करना है आपको, प्रॉपर तरीके से आपको खुद से मिलाना पड़ेगा कि कहाँ से छोटा बड़ा है, आप उसको अच्छे से ट्रिम करके निकाल लीजिए। जैसे मुझे लग रहा है राइट साइड से थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो मैं सारा भी मिलाऊंगी। आप लोग भी इसी तरह प्रॉपर तरीके से बालों को फिर से टाइटली पकड़ लीजिए, खींचकर थोड़ा टान कर मतलब, और उसके बाद आप उसको इक्वल कीजिए, जितना कर सकती हैं उतना अच्छे से इक्वल कीजिए। और बीचों बीच रहेगा तो वो आपको खुद भी समझ में आएगा कि कहाँ से छोटा बड़ा है। तो बस अब मैं इक्वल कर दूंगी और ऐसे ही करके हेयर कट करते हैं इजीली, बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। यही हेयर कट अगर आप पार्लर में करने जाएंगे तो पता नहीं कितना पैसा ले लेगा। तो अगर आपको कोई कट नहीं लेना है, नॉर्मली नीचे पीछे से लेंथ करना है, मतलब इक्वल करना है, तो आप घर पे आराम से कर सकते हैं बिना किसी खर्चे के। तो देखिए मैं बार बार चेक कर रही हूँ कि कहीं से छोटा बड़ा ना हो, तो इसीलिए मैं बार बार कोम कर करके देख रही हूँ। हल्का सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और इक्वल होगा, तो मैं इसको इस तरह से पकड़ के टाइटली और तब कैची से हल्का 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 काट दूंगी। बस अब ये फाइनल टच है और ये बिल्कुल से बराबर हो जाएगा। तो बस ये हेयर कट कंप्लीट। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लगा।